सर हम बात कर रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो नीचे रहेगी, तो एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पिछली बार जो डेट हुई बाद में वो विवादों के चलते कैंसिल हो गई, उसके अंदर जब कट ऑफ के आकलन आए उसमें कट ऑफ बहुत ऊंची बताई गई, तो क्या एग्ज़ाम हॉल में बच्चों की ये साइकोलॉजी रही कि कट ऑफ बहुत ऊंची रहेगी और इसके चलते नेगेटिव मार्किंग उनसे ज़्यादा हो गई? क्या कट ऑफ नीचे रहने का ये भी एक कोई कारण हो सकता है? बिल्कुल, ये कारण जो है वो हो सकता है कि डर और तनाव के अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग जो है बच्चों की जो है वो ज़्यादा जो है वो रही, बच्चों ने ज़्यादा जो है क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए। और मैंने अपनी वीडियो में इस चीज़ को जो है वो बताया था कि पेपर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ईजी है, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में यूट्यूबर्स ने, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने अपनी अपनी बात जब रखी थी कि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हैं या मॉडरेट हैं, इजी टू मॉडरेट हैं, नो डाउट जो है वो वहाँ पे एक दो पोर्शंस को अगर जो छोड़ा जाए तो बाकी पोर्शंस जो है वो करने वाले थे। लेकिन लेकिन जब बाद में बच्चों ने जो वो कैलकुलेट किया अपने मार्क्स को जो है, तो ये पाया कि वास्तव में जो है वो जितना ईजी दिख रहा था पेपर उतना ईजी था नहीं, क्वेश्चन पेपर उतना ईजी था नहीं। और ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि पहले से ही उनके दिमाग में ये एक आइडिया क्लियर था कि हमें 100 क्वेश्चंस जो हैं, 105, 110 क्वेश्चन तक जो है वो जाना है, बचाने हैं। और इस चक्कर में उन्होंने अटेम्प्टिंग किया, उस चक्कर में उनकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो हुई।